खालिद अजीम उर्फ अशरफ का 14 दिनों की कस्टडी की रिमांड पुलिस मांग सकती है। साथ ही प्रयागराज पुलिस ने अशरफ को बरेली जेल से लाने के लिए प्रयागराज के सीजेएम कोर्ट से 28 मार्च को ही आदेश हासिल किया था। अब अशरफ के बाद कभी भी माफिया अतीक अहमद को भी साबरमती जेल से दोबारा प्रयागराज लाया जा सकता है। रायबरेली से खबर है जो संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक की मौत हो गई जिससे इलाके में कोहराम है। मामला है बछरवा के तुलहेड़ी गांव का, जहां पर रहने वाले राजेश की 25 साल की उम्र में शराब पीने के बाद मौत हो गई है। हालांकि परिजनों के मुताबिक हत्या का आशंका जताई जा रही है, शक जताया जा रहा है और पुलिस को तहरीर भी दी गई है। परिजनों का कहना है कि गांव के ही रहने वाले एक युवक ने शराब पिलाकर गला दबाने के बाद उसकी हत्या कर दी है। आपको बता दें कि इसी आरोप में तहरीर दी गई है और पुलिस का यह कहना है कि मृतक की मृत्यु का कारण क्या है, यह जांच के बाद ही पता चल सकेगा। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी एक बार फिर से आमने सामने हैं फ्री बिजली को लेकर। फ्री बिजली के इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी सरकार को घेरा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता रामबीर सिंह बिथोड़ी ने यह आरोप लगाया है कि दिल्ली सरकार दावा कर रही है कि किसानों को बिजली फ्री दी जा रही है, लेकिन हकीकत इसके ठीक उल्टा है। दिल्ली के किसान हमारे साथ बैठे हुए हैं और इन सभी लोगों का बिजली का बिल लगातार आ रहा है। किसी किसान का बिजली बिल 10,000 है तो किसी किसान का 15,000 है। एक किसान का बिल 1,00,000 से ज्यादा भी आया है, लेकिन आम आदमी पार्टी सरकार कहती है कि किसानों को फ्री बिजली दी जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार सिर्फ झूठ बोलने का काम करती है और कुछ नहीं। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में झूठ बोला। उनकी ओर से यह कहा गया कि दिल्ली के किसानों को केजरीवाल की सरकार सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली दे रही है। यह भी कहा गया कि दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर और भाजपा के नेता इसको रोकना चाहते हैं। मैं आज मीडिया के माध्यम से आतिशी ने जो झूठ बोला है अपनी ओर से और दिल्ली के किसानों की ओर से, उनका त्यागपत्र मांगता हूं और मीडिया के समक्ष मैं ये जानकारी दे रहा हूं। ये मेरे पास बिल है 1,21,190 रुपए का और किसान का नाम है विजेंद्र सिंह सन ऑफ श्री राजकुमार और ये हरेवली गांव के निवासी है। इसीने भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे के सुसाइड केस में बड़े मोड़ सामने आ रहे हैं। 26 मार्च को यह घटना हुई जब एक्ट्रेस को वाराणसी के एक होटल में मृत पाया गया था और अब पुलिस ने यह माना है कि उन्होंने खुदकुशी की है। हालांकि इसके बाद एक्ट्रेस की मां ने उनकी हत्या का शक जताया था। अब फैंस ने भी आकांक्षा दुबे के बॉयफ्रेंड और भोजपुरी सिंगर समर सिंह का इस मामले में हाथ होने का शक जताया है। आकांक्षा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ चुकी है, ऐसे में अब उनकी मां ने समर सिंह को फांसी देने की मांग सरकार से की है। आपको यह भी बता दें कि आकांक्षा दुबे का परिवार आकांक्षा दुबे की मौत के मामले में पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है, इसीलिए इस पूरे मामले में सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। सरकार से यही चाहती हूँ मैं, उनके आंचल फैला के अपने रानी के लिए न्याय मांगती हूँ। मेरी रानी को न्याय दिलाए, मेरे रानी को न्याय दिलाए, समर सिंह और संजय सिंह को सजा दिलाए, फांसी उनको भी होनी चाहिए। मेरी रानी को न्याय दिलाए। मेरी रानी अपने से आत्महत्या कर ही नहीं सकती है, उसको मारा गया है, संजय सिंह और समर सिंह ने मिलकर मारा है। आप अपनी लड़की अगर जीत होती तो आप आज कहाँ होती, कहाँ उसकी क्या आज, क्या इच्छा थी, कहाँ तक जाने की इच्छा थी? मेरी रानी को तो बहुत इच्छा थी, बहुत सपना थी। मेरी रानी को तो मेरी माँ क्या पहना दूँ अपनी माँ को, क्या अपनी माँ को ऐसा कर दूँ।
आगे मेरी लड़कियाँ तो चली गई, मेरा अब कोई सहारा नहीं है। अब हम कहाँ जाऊँ, कहाँ किसके पास जाऊँ, मेरे पास अब कोई सहारा नहीं, मैं तो अनाथ हो गई। अच्छा, पिछली घटनाओं के बारे में कुछ बताती रहती थी आपसे जो है? नहीं, कुछ नहीं बताती थी, बस यही बोलती थी मम्मी मुझे बहुत टॉर्चर करता है, अब किसी के साथ में काम नहीं करने देता है, बोलता है नहीं करने का खाली मेरे साथ में। वही मैं बोली उसको कि क्यों नहीं करने देता है, क्या उसकी जागीर है? मैंने उसको भी बोला था फोन करके गाली गलौज दिया कि मेरी बेटी तू उसका बाप है कि भाई माँ बाप है, तू क्यों उसको टॉर्चर करता, तू ही आगे बढ़े वो आगे ना बढ़े। हाँ, मैंने बहुत गाली भी दिया। मैं इनको बोली भी कि बेटा तू उसके नाम से चौकी जा, कंप्लेन कर बनारस में। मेरी लड़की बोली मम्मी उसकी जा रहे छोटा मोटा लोग जोक है, मेरा भी नाम खराब होगा, पुलिस केस करूंगी और उसकी भी करियर खराब हो जाएगी। आज मेरी लड़की उसको बचाते बचाए मेरी लड़की को ही खा गया। अब मेरा और दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना के हालातों पर चर्चा की। साथ ही इस दौरान केजरीवाल ने कहा है कि चिंता की बात नहीं है। सीएम केजरीवाल ने अधिकारियों के साथ ये बैठक की और कहा कि दिल्ली में कोरोना मरीजों के मामले बढ़ रहे हैं, हमारी सरकार कोरोना वायरस से लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसको लेके पूरी तैयारी है, वैसे तो कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, बहुत कम अभी केसेस हैं और कोई सीवियरिटी भी नहीं है, लेकिन तैयारियों को देखते हुए हमारी 7,986 बेड्स हमारे अभी तैयार हैं कोरोना के लिए। इसमें ऑक्सीजन वाले बेड्स भी हैं, इसमें वेंटिलेटर बेड्स भी हैं, इसमें आईसीयू भी हैं। 7,986 बेड्स हैं जिसमें से 66 बेड्स केवल ऑक्यूपाइड हैं। 66 आरटीपीसीआर के टेस्ट करने की हमारे पास सफिशिएंट क्षमता है। लगभग 4,000 टेस्ट हम सरकारी लैब्स में करने के लिए हमारे पास क्षमता है और प्राइवेट लैब्स में तो 1,00,000 से ज्यादा टेस्ट पर डे करने की क्षमता है। वैक्सीन भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस अभी तक रहा, नेशनल एवरेज से ज्यादा अच्छा रहा। 18 प्लस की कैटेगरी में तो लगभग सबको वैक्सीन लग चुकी है और 18 से निचली उसमें आए तो फर्स्ट डोज सबको लग चुकी है, सेकेंड डोज भी 85% के लगभग लोगों को लग चुकी है। हमारे पास सफिशियंट एम्बुलेंस है, सफिशियंट ऑक्सीजन अवेलेबल है, सफिशियंट ऑक्सीजन स्टोरेज की कैपेसिटी है। 26 मार्च को हम लोगों ने 38 सरकारी दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल्स की खुद ब खुद एक मॉक ड्रिल की थी कि बाई चांस अगर हो जाए तो, और इसमें जितने मान लीजिए कोई इक्विपमेंट काम नहीं कर रहा था, ऑक्सीजन वाली अवेलेबल है नहीं है, वैक्सीनेशन, सारी चीजों की एक तरह से ट्रायल करके देखा था कि सारी चीजें काम कर रही है कि नहीं कर रही। अब केंद्र सरकार के निर्देश आए हैं, 10 और 11 अप्रैल को एक बार सारे सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स की मॉक ड्रिल की जाएगी। इसके ऊपर दिल्ली सरकार एक कैंपेन चलाएगी, अब एक मीडिया कैंपेन चलाया जाएगा लोगों को कोरोना के बारे में जागरूक करने के लिए और एहतियात बरतने के लिए कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो किया जाए। एयरपोर्ट के ऊपर 2% के लगभग पैसेंजर्स को रैंडम टेस्टिंग की जा रही है और जितने भी दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल्स हैं सबको बोल दिया गया है कि आइसोलेशन वार्ड्स कोरोना पेशेंट्स के लिए रखे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि किसी को बहुत सीरियस मान लिया आईएलबीएस है, आईएलबीएस में किसी को किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, उसको कोरोना हो गया, अब उसको कोरोना वाले हॉस्पिटल में नहीं ले जाएंगे हम, वहीं पर अगर आइसोलेशन बेड होगा तो वहीं पर उसको एक अलग वार्ड में कर देंगे तो उसका कोरोना का किडनी का भी ट्रीटमेंट होता रहेगा और उसका कोरोना, तो हर अस्पताल के अंदर एक आइसोलेशन वार्ड की तैयारी की गई है। जितने सारी केसेस हैं एक्यूट रेस्पिरेटरी डिजीज वाले उनमें जैसे ही मरीज एंटर करता है हॉस्पिटल में उसको। तो राहुल गांधी की तारीफ करते हुए पवन खेड़ा ने एक बार फिर से बीजेपी पर निशाना साध दिया है। पवन खेड़ा ने कहा कि ये उस खानदान का चिराग है जिस खानदान ने इस देश को रोशन किया और इस देश से अंधेरा हटाया है। अब आपको बता दें कि इस बीच पवन खेड़ा ने कहा कि आप अगर इस चिराग को बुझाने की हिमाकत करेंगे तो आप ही का नुकसान है क्योंकि इस चिराग को बुझाया नहीं जा सकता। बाहर निकले भी नहीं, आप लोकतंत्र को मारेंगे भी और उसकी चीख बाहर निकले भी नहीं, ये संभव नहीं है। आप लोकतंत्र को मारेंगे तो राहुल गांधी बोलेगा, संसद के भीतर से बोले या संसद के बाहर से बोले, राहुल गांधी को आप चुप नहीं कर सकते। संसद के भीतर अगर राहुल गांधी अडानी का नाम लेता है तो आप डरते हैं, आप सोचिए राहुल गांधी सड़क पर आकर जब बोलेगा तो आप थर थर कांपेंगे, इसमें कोई नहीं रोक सकता।
ये उस खानदान का चिराग है जिस खानदान ने इस देश को रास्ता दिखाया, इस देश को रोशन किया, इस देश में अंधेरा हटाया। उस खानदान के चिराग को आप बुझाएंगे? आपकी इतनी औकात है? तो ये बंगाल और महाराष्ट्र में रामनवमी के अवसर पर हंगामा हुआ है और रामनवमी के एक दिन बाद शुक्रवार को एक बार फिर से हिंसा भड़क गई है। इस बीच उपद्रवियों ने हावड़ा और संभाजीनगर में मंदिरों पर जमकर पत्थरबाजी की। साथ ही आपको बता दें कि देश भर में रामनवमी के मौके पर राज्यों में हिंसा की खबरें सामने आई हैं। कई जगहों पर आगजनी भी हुई। गुजरात के वडोदरा में, महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर जलगांव, पश्चिम बंगाल के हावड़ा इस्लामपुर और लखनऊ में दो समुदाय के बीच झड़प के बाद पथराव और आगजनी की घटनाएं सामने आई हैं। अब तक 3 राज्यों में हिंसा के केस में करीब 80 लोग हिरासत में लिए गए हैं। इनमें गुजरात में 24, महाराष्ट्र में 20 और बंगाल में 36 लोग शामिल हैं। पुलिस इन इलाकों में लगातार गश्त कर रही है और अभी हालात सामान्य बताए जा रहे हैं। इस दौरान बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कहना है कि मैंने पहले ही चेताया था कि मुस्लिम इलाकों से शोभा यात्रा ना निकाली जाए, लेकिन भाजपा के लोग जानबूझकर इन इलाकों को टारगेट करते हैं। और शिवपुरी शहर में रामनवमी के शुभ अवसर पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने शहर में एक विशाल शोभा यात्रा निकाली है, जिसमें अयोध्या धाम की तर्ज पर भव्य श्री राम शोभा यात्रा के साथ मंदिर महंत महामंडलेश्वर और भगवान श्री राम के परिवार की आकर्षक झांकियां निकाली गई। इस शोभा यात्रा पर शहर के कई स्थानों पर पुष्प वर्षा की गई है और शहर में जगह जगह पर रामनवमी के शुभ अवसर पर भंडारों का भी आयोजन किया गया। और अब मामला है सरगुजा से, जहां सरगुजा जिले में 572 पीडीएस दुकानें हैं, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में 511 और शहरी क्षेत्र में 61 दुकानें संचालित हैं। संचालित इन 572 पीडीएस दुकानों में करोड़ों रुपए के करीब 40,000 क्विंटल चावल गायब बताए जा रहे हैं। भारी मात्रा में चावल गायब होने से अधिकतर पीडीएस दुकानें बंद हैं, तो कहीं चावल के बदले हितग्राहियों को रुपए दिए जा रहे हैं। आपको ये बता दें कि हितग्राहियों को ये बताया जा रहा है कि अभी चावल पहुंचा ही नहीं है। पत्र भी निकाल दिया है, शासन से भी गाइडलाइंस आ गए हैं, सभी पीडीएस दुकानों को जो भी कमी आई है उसको लेकर पत्र मेरे द्वारा अभी 3 दिन पहले ही जारी किया गया है और उसमें जो भी अगर शॉर्टेज आएगी या जिस तरह का होगा, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बोला है कि उसमें जहां भी अगर शॉर्टेज आए। भैया, मेरे को फरवरी मार्च का राशन नहीं मिला है। राशन लेने के लिए मैं सोसाइटी गई तो बोले कि क्या बोलते हैं, बीच में दे दूंगा। पहले मैं नीचे नहर के पास वाले सोसाइटी में गई। खबर अब जगदलपुर से है, जहां आपको बता दें कि प्राइवेट स्कूलों की फीस की मनमानी को लेकर लगातार शिकायतें बढ़ती जा रही हैं। दरअसल शहर के ही सक्सेस कॉन्वेंट स्कूल में विद्यार्थियों की शुल्क जमा नहीं करने के कारण स्कूल प्रबंधन के द्वारा उन्हें परीक्षा में नहीं बैठने दिया गया। परिजनों ने कहा है कि स्कूल संस्थाओं के इस कृत्य की हम घोर निंदा करते हैं। इस खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल